हेलो एवरीवन, SJVN लिमिटेड जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, एक मिनी रत्न कंपनी है PSU के अंतर्गत। इसमें दोस्तों बहुत सारी जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो बता दूँ सबसे पहले आपको मैं सिविल की बात करते हैं, जिसमें जूनियर फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें कि टोटल जो है 30 पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में 25 पोस्ट और मैकेनिकल में 20 पोस्ट है, और सारों में क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया, आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, यानी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में। ठीक है, तो ये तीन बात हो गई इसमें कर ली हम लोगों ने बात। आगे इसके बारे में बात करते हैं, देखिए कि इसके लिए आपका पेमेंट कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपका जो जूनियर फील्ड इंजीनियर का पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपका जो पेमेंट रहेगा वो आपका 45,000 रहेगा। ठीक है, पर मंथ में आपका फिक्स सैलरी रहेगा, तो अच्छा खासा पैकेज है दोस्तों। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपका, यहाँ पर लिखा गया है प्रोजेक्ट आपका कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और इसके अंतर्गत बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो 26 पोस्ट में, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट बांटा गया है। तो UR का बता दूँ आपको मैं, 12 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात चलिए करते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें रहेंगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी कराया जाएगा। टेस्ट सेंटर आपके जो रहेंगे वो आपका न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। ठीक है, ये सारे जगह पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है, पेपर कैसा होगा आपका, यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपका पहला पार्ट में आपका 120 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपके जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर पूरा सब कुछ लिखा गया है। जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए बता दूँ आपका मैं कि यहाँ पर जो 770 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चन रहेंगे, यदि सिविल वाले तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। सेकंड पार्ट में फिर वही आपका जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले पेपर आपके रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो पेपर आपका लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं, तो यदि आपको फील्ड जूनियर फील्ड इंजीनियर की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 300 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें फील्ड ऑफिसर के लिए तो आपको 600 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, जनरल OBC और DWS कैंडिडेट को, बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो है कोई उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए फ्री है। ठीक है, आने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। मैं चलिए आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा गया होगा। ठीक है, ये देखिए कैसे अप्लाई करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो SJVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर आपको जो है वो फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूँगा PDF का, तो वहाँ से इसको एक बार आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है, और लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त है। ठीक है, तो इसके बीच के अंतर्गत आपको फॉर्म भर लेना है दोस्तों। तो इसमें इतनी जानकारी थी, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।